Hello all of you, wish you all a very good morning, very warm morning and आज जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, बेसिक जो पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज डिटेल के अंदर तो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो जाता है, बट बेसिक हाईलाइट्स मैं आपको ब्रीफिंग देते हुए चलूंगा जीएसटी की जो आपके लिए दिसंबर 2016 और जून 2017 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जीएसटी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग तीन तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करते हैं यूजुअली। पहला आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग करते हैं इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल मतलब विद इन द स्टेट्स। लाइक आप यूपी में रहते हैं तो योर सेल इज फ्रॉम आगरा टू लखनऊ विद इन द स्टेट। तीसरा हमारा होता है इंटर स्टेट सेल, दैट इज सेल फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। मूवमेंट ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस और द सर्विसेज गोज फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। ओके, सो व्हेन वी डू इंटर स्टेट सेल स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज फर्स्टली यू नीड टू नो दैट देयर आर three kinds of GST applicable. There are three kinds of GST. First is CGST, that is Central Goods and Service Tax. Second is SGST, State Goods and Service Tax. And the third one is IGST, that is the integration of both of these and it is known as integrated GST. Okay students, so when we do intrastate sale, in the intrastate sale what happens is CGST is levied and also SGST is being levied. CGST bhi apply hota hai, SGST bhi apply hota hai. CGST jo hota hai wo central ka hota hai and SGST jo hota hai wo kiska hota hai, state ka hota hai. Theek hai, इंटर स्टेट सेल्स में क्या होता है, इंटर स्टेट सेल में आपका आईजीएसटी जो है वो अप्लाई करता है। और आईजीएसटी के अंदर क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए ये आपका है सेंटर, दिस इज योर सेंटर एंड दीज आर योर स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, लार्ज स्टेट्स। ओके, ठीक है, दीज आर योर स्टेट्स। नाउ व्हाट हैपेंस कि मान लीजिए ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स दीज आर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। दीज स्टेट्स आर मेकिंग द सेल, दीज स्टेट्स आर मेकिंग द सेल। ना हुआ क्या, ये जो स्टेट्स है ना, दीज स्टेट्स will pay tax to central government. कैसे देखते हैं, एक example लेते हैं। आप जो हैं एक manufacturer हैं, you are a manufacturer
दिल्ली के मैन्युफैक्चरर हैं आप, जो है साड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, साड़ी मैन्युफैक्चरर हैं आप, साड़ी या कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स। अब साड़ी आपको बनानी है, साड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, तो साड़ी के लिए जो है आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिल्क की जरूरत पड़ी। मान लीजिए बनारसी साड़ी बनानी है आपको, सिल्क की जरूरत पड़ी, आप गए बनारस, बनारस वाराणसी वहां गए, आपने जो है सिल्क परचेज किया, वहां से सिल्क परचेज किया और वो सिल्क लेकर आ गए दिल्ली, दिल्ली आ गए वापस और वहां यहां दिल्ली लाके इसको आपने कंज्यूम कर लिया, एक तरह से यूज कर लिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए साड़ी। तो अब हुआ क्या कि जीएसटी आने से पहले के टाइम पर क्या होता था ना कि आपने जाकर सिल्क खरीदा वाराणसी से, तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा देता था, यूपी गवर्नमेंट आपके ऊपर लगा देता था सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स लग जाता था इधर, वो सेल्स टैक्स कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता था बट मिलता था आफ्टर ऑल वो उसको ही था ना, स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को मिलता था। बट अब क्या होगा ना कि अब जो जीएसटी है इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जहां पर कंज्यूमर कस्टमर लोकेटेड है उधर की गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलेगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का देखे तो जो सिल्क है उसका डेस्टिनेशन कहां पर है, दिल्ली, तो दिल्ली गवर्नमेंट को इसका टैक्स मिलेगा। तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो रोने लग गई कि भाई मेरे यहां सिल्क बन रहा है, मेरे यहां से जा रहा है, मैं सिल्क के जो मैन्युफैक्चरर है उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं बट हमको टैक्स नहीं मिल रहा। ये सारा टैक्स जो है ये सारा टैक्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम सारी स्टेट्स का ध्यान रखेंगे, ये जो टैक्स है ना दिस टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर जीएसटी एंड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट्स के बीच में करती है डिस्ट्रीब्यूट। बट यहां पर जो यूपी गवर्नमेंट है उसकी आंखों में आंसू आ गए बिकॉज वन सिर्फ वन यहां पर रहा है, ओरिजिन इसका यहां पर हो रहा है मगर टैक्स मिल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को बिकॉज इट इज नॉट अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज नॉट अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, आइए वापस इधर आइए। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या है ना कि देखिए स्टेट का पोर्शन भी होता है कुछ टैक्स का और कुछ पोर्शन होता है सेंट्रल का, दोनों पोर्शन मिलाकर जो है आईजीएसटी लगता है। इसमें क्या होता है कि आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो कुछ पोर्शन स्टेट का होता है कुछ पोर्शन सेंटर का होता है, दोनों को मिलाकर आईजीएसटी बोलते हैं कंबाइंड, वो कंबाइंड जो है सेंटर को मिल जाता है फिर सेंटर जो है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी का पोर्शन जो है वो अलोकेट कर लेता है, मतलब सेंटर बोलता है कि हम ध्यान रखेंगे, वी विल टेक केयर, आप हमें सारा टैक्स दे दो और आप चिंता मत करो हम जो है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो दी स्टेट्स विल पे टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो ये बोल सकते हैं कि ये स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करे तो या सीधे जो है ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, सीधे ये आईजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है। ठीक है, तो ये जो हो रहा था इसमें हो रहा था। बट अब देखिए अब जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं लाइक गुजरात महाराष्ट्र और जो बंगाल जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे स्टेट्स उनको नुकसान हो जाएगा इससे, बट उनको एक बहुत बड़ा फायदा भी है। फायदा ये है कि नाउ सर्विसेज जो है दे ऑल्सो केम इनटू द एम्बिट ऑफ जीएसटी, मतलब अब स्टेट जो है उनके पास सर्विसेज के लिए भी टैक्स जो है उनको सर्विसेज के ऊपर भी मिल सकेगा। पहले के टाइम में स्टेट्स को जो है सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स जो है स्टेट को नहीं मिलता था, सारा का सारा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता था। बट नाउ स्टेट्स दे ऑल्सो हैव द पावर टू लेवी द टैक्स ऑन सर्विसेज। ठीक है,
आइए एक आपको एग्जांपल देता हूं, इससे थोड़ा आपको और क्लियरिटी आएगी। ये एग्जांपल पढ़िए आप लोग, ये इंटरेस्ट स्टेट सेल का एग्जांपल है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज अ टैक्स टू बी कलेक्टेड बाय द स्टेट्स एंड सेंटर बोथ ऑन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स मुंबई के हैं, मिस्टर वाई भी मुंबई के हैं। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई सेल्स गुड्स टू मिस्टर वाई ऑफ मुंबई, तो इस केस में एसजीएसटी भी एप्लीकेबल होगा और सीजीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। इंट्रा स्टेट सेल है, उसके ऊपर एसजीएसटी भी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा, विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल लीजिए, इफ एक्स ऑफ मुंबई सेल्स गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई फॉर रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए में गुड्स बेचे एक्स ने वाई को। रेट ऑफ टैक्स अंडर एसजीएसटी है 12% एंड सीजीएसटी है 14%। तो इस केस में एक्स विल कलेक्ट एंड डिपॉजिट रुपीज 1.20 लाख एज एसजीएसटी एंड रुपीज 1.40 लाख एज सीजीएसटी, ठीक है, 12%, 10 लाख का और 14%। तो 1.2 लाख तो एसजीएसटी का जमा करवा देगा और 1.4 लाख जो है सीजीएसटी का जमा करवा देगा, ठीक है, ये बात चल रही है इंटरस्टेट की। इंटरस्टेट के ऊपर जो है एसजीएसटी भी लग रहा है, सीजीएसटी भी लग रहा है। इफ वाई ऑफ मुंबई, अब जो वाई है जिसने एक्स से गुड्स लिए थे वो सेम गुड्स जो है जेड को दे देता है, जो जेड भी मुंबई का है, कितने में देता है 10.5 लाख में। तो अब जो वाई है वो जेड से कितना कलेक्ट करेगा, ही विल कलेक्ट सम ऑफ रुपीज 1.26 लाख एस एसजीएसटी, 10.5 लाख का 12% और 10.5 लाख का 14% सीजीएसटी, ठीक है। अब वो कितना जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, कितना जमा करवाएगा गवर्नमेंट को, देखिए 1.20 लाख तो जो है ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को जमा हो चुका है यहां पर इस स्टेज के ऊपर। बचावा 1.26 लाख में से 1.20 लाख हो चुका है, तो वाई ओनली नीड्स डिपॉजिट रुपीज 6,000 एस एसजीएसटी एंड रुपीज 7,000 एस सीजीएसटी। ये चीज समझ आई आपको, बाकी का तो इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा ना। तो टोटल टैक्स जो कलेक्ट किया गया स्टेट के द्वारा इट इज 1.26 लाख और सेंटर के द्वारा जो कलेक्ट किया गया वो हो गया 1.47 लाख। ये आपका 12% हो गया 10.5 लाख का और 14% 1.47 लाख का, ठीक है। कंज्यूमर के ऊपर कितनी कॉस्ट, कंज्यूमर के ऊपर कितना बर्डन पड़ा, 10.5 लाख तो कॉस्ट हो गई कंज्यूमर की और उसको जो है 1.26 लाख एसजीएसटी देना पड़ा और 1.47 लाख का उसको सीजीएसटी देना पड़ा, विच वॉज कलेक्टेड एंड डिपॉजिट बाय एक्स एंड वाई एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट द इनपुट क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी कैन बी टेकन अगेंस्ट एसजीएसटी। हमने एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से लिया, सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से लिया, ठीक है। तो इससे हमें बताया पड़ता है कि स्टेट और सेंटर किस तरह से इंटरेस्ट स्टेट सेल्स के केस के अंदर कलेक्शन करेंगे टैक्स का, ओके। आइए कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक दो लाइन के, आप उनका जवाब देने की कोशिश करिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु कलेक्ट्स आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब इंटर स्टेट सेल्स के ऊपर आईजीएसटी जो है कलेक्ट करता है सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंडिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू इंडिया इज ट्रीटेड एज आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो आईजीएसटी में फॉल करेंगे बिकॉज पहले हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो सेंटर कलेक्ट करता है, ओके, तो ये आईजीएसटी के अंदर फॉल करेगा। हु डिसाइड्स द रेट फॉर सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, तो रेट जो है वो म्यूचुअली एग्री की जाती है बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडर जीएसटी काउंसिल के अंदर, ये जो है आईजीआईएस करके बनाया गया है, इसके अनुसार जो है आपकी रेट जो है डिसाइड की जाती है बाय स्टेट्स एंड सेंटर दोनों के कोलैबोरेशन से। इज जीएसटी एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स, यस जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। व्हाट अबाउट जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी तो एप्लीकेबल नहीं है, वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ डेट टू बी रिकमेंडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. जो डेट डिटरमाइन करेगा उस तब से लगेगा, अभी नहीं है. हाउ डज जीएसटी एप्लीकेबल फॉर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स? तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट जो है दे विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. इन एडिशन द सेंटर कुड कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. सेंटर जो है उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, और इनके ऊपर जीएसटी भी जो लगेगा. शुड जीएसटी बी पेड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज? एग्जेम्पशन दे रखी है, द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी कैप्ट टू अ मिनिमम एंड इट वुड बी हार्मोनाइज फॉर द सेंटर एंड स्टेट एज फार एज पॉसिबल. हार्मोनाइजेशन में सेंटर और स्टेट के मिलजुल के जो है लिस्ट बनाएंगे. वॉट इज द रेट ऑफ जीएसटी फॉर एक्सपोर्ट? जीरो रेट जीएसटी फॉर एक्सपोर्ट की रेट नहीं रहेगी. कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी पेड ऑन इनपुट बी यूज फॉर पेइंग एसजीएसटी? नो. और ना ही एसजीएसटी का सीजीएसटी के लिए लिया जा सकता है. कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इनपुट बी यूज फॉर पेइंग आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? यस. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी जो है इट कैन बी टेकन फॉर पेइंग आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. Is input tax credit of additional tax permitted? No. Input tax credit of additional tax will not be permitted. तो अब SGST और IGST का settlement कैसा होगा? Accounts are settled periodically between the center and state to ensure that SGST used for payment of IGST is transferred by the center to the destination state. जो आपने SGST use किया है IGST का payment करने के लिए, वो इंश्योर किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया गया है द सेंटर टू द डेस्टिनेशन स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवेंचुअली कंज्यूम्ड. जहां पर इवेंचुअली कंज्यूम की जा रही है. सिमिलरली द आईजीएसटी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, आईजीएसटी का आप यूज कर सकते हैं एसजीएसटी के पेमेंट के लिए, और एसजीएसटी का यूज करते हैं सकते हैं आईजीएसटी के पेमेंट के लिए. इसी तरह आईजीएसटी का यूज कर सकते हैं सीजीएसटी के लिए, और सीजीएसटी का यूज कर सकते हैं आईजीएसटी के लिए. बट एसजीएसटी और सीजीएसटी का आपस में यूज नहीं कर सकते. सिमिलरली आईजीएसटी यूज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी वुड बी ट्रांसफर्ड बाय ओरिजिनेटिंग स्टेट टू द सेंटर. जो आईजीएसटी यूज किया है एसजीएसटी के पेमेंट के लिए, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओरिजिनेटिंग स्टेट के द्वारा सेंटर को. हु हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स? तो सेंटर के पास पावर है टू लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. डज द सेंटर हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन ऑल द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स? तो ये बोल रहे हैं सेंटर हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम एंड नार्कोटिक्स. इनका जो राइट है वो स्टेट के पास होता है. हु हैज द पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स? सेल ऑफ गुड्स का जो पावर है वो स्टेट्स के पास होता है, जैसा हमें पता है. हु हैज द पावर टू लेवी टैक्स इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स? सेंटर के पास पावर होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ ओरिजिनेटिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंटर स्टेट सेल? ओरिजिनेटिंग स्टेट का यहां पर क्या रोल है? द रेस्पेक्टिव ओरिजिनेटिंग स्टेट कलेक्ट्स एंड रिटेन्स आईजीएसटी एंटायरली. आईजीएसटी कलेक्ट करते हैं स्टेट्स, उसको रिटेन करते हैं, बट गवर्नमेंट को इवेंचुअली उन्हें देना पड़ता है. आईजीएसटी जो है वो देना पड़ता है. हाउ डज जीएसटी वर्क्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? द सेंटर इंपोर्ट्स एंड कलेक्ट्स एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी विच काउंटर बैलेंसेज सेल्स टैक्स स्टेट वैट एक्साइज ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस. डज टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट एक्साइज ड्यूटी इन एडिशन टू जीएसटी? यस. टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट एक्साइज ड्यूटी इन एडिशन टू जीएसटी. जीएसटी के साथ साथ इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो और लगाई जाती है. जीएसटी आने से जो है ना स्टूडेंट्स, इवेंचुअली जो कस्टमर है ना उसके ऊपर बर्डन कम पड़ता है. कस्टमर के ऊपर बर्डन कम पड़ता है. देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि वैट और देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि जो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट होता था वो केवल मैन्युफैक्चरर्स जो थे ना वही ले पाते थे. मैन्युफैक्चरर्स ही वो ले पाते थे. डीलर्स वगैरह जो थे वो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं ले पाते थे. वैट का क्रेडिट तो ले लेते थे
बट एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट जो है डीलर्स नहीं ले पाते थे। तो होता क्या था ना कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो जब डीलर्स को गुड्स बेचते थे तो जो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर्स पे करते थे वो डीलर्स उसका क्रेडिट नहीं ले पाते थे, तो वो जो ड्यूटी थी वो डीलर्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती थी, वो ड्यूटी जो थी वो डीलर्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती थी। तो डीलर जो थे उसी लेवल से जो गुड्स हैं महंगे होने लग जाते थे। बट अब वन नेशन वन टैक्स होने की वजह से क्या हो जाएगा ना कि जो ड्यूटी मैन्युफैक्चरर्स पे करेंगे उसका क्रेडिट जो है वो आगे मिल जाएगा, उसका क्रेडिट जो है आगे मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो इवेंचुअली कस्टमर तक पहुंचेंगे ना वो इवेंचुअली सस्ते हो जाएंगे। और देखिए हमारे देश को इससे क्या क्या फायदे और होने वाले हैं। मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, लगाया इंडिया के जैसा। हाँ तो ये इंडिया है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे महाराष्ट्र है, गुजरात है, हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, इधर का एरिया है दिल्ली गुड़गांव साइड का, ये जो एरिया है ना हमारा इंडस्ट्रियली काफी एडवांस्ड है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और ये वाला जो एरिया है हमारा बिहार, इधर झारखंड, सम पार्ट ऑफ बंगाल, सम पार्ट, एंड इधर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया आ जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, दिस इज द बैकवर्ड एरिया, ये हमारा बैकवर्ड एरिया है। और इधर तो आपको पता ही है इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में काफी नक्सलीज और मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड में, और इधर इवन आपका इधर आते हैं हम लोग जब छत्तीसगढ़ साइड आते हैं एमपी के नीचे की साइड, इस एरिया में भी जो है आपका काफी नक्सली प्रभावित एरिया है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि बट बिहार और आपका यूपी, बिहार यूपी बंगाल का पार्ट, दी स्टेट्स दे हैव अ लॉट ऑफ डिमांड, यहां पर जो है गुड्स का कंजम्पशन बहुत हो रहा है, मैन्युफैक्चर कम हो रहा है, काफी कम हो रहा है, बट डिमांड बहुत ज्यादा है। यहां पर मैन्युफैक्चर कम क्यों हो रहा है, बिकॉज यहां पर जो है देयर इज अ लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यहां पर जो मोस्टली लोग काम करते हैं दे आर लेबरर्स, हम लोग देखते हैं कि सारे नहीं बट काफी ऑफिसर, मतलब यहां के लोग सर्विस ज्यादा करते हैं और लेबरर ज्यादा हैं, इधर इंडस्ट्रीज इस एरिया में कम है, इन एरियाज में कम है, सो देर आर लैक ऑफ इंडस्ट्रीज बट कंजम्पशन तो हो ही रहा है गुड्स का। तो दीज स्टेट, दीज एडवांस स्टेट्स हु आर having good manufacturing facilities and infrastructure, they supply their goods to these backward states, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था ना कि सारा का सारा जो tax था, पहले जो tax होता था वो इन महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, NCR, यहां से जो advanced इलाके हैं इनको मिलता था, but अब जो है destination based tax होने से क्या हो जाएगा ना कि ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं इनको भी जो है टैक्स मिलने लग जाएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, तो इनको जो है टैक्स मिलेगा। तो इवेंचुअली होगा क्या है इससे कि जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आने से ये जो स्टेट्स है ना इनका विकास जो है वो चालू हो जाएगा, इनका जो विकास है वो चालू हो जाएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में जो है यहां पर भी इंडस्ट्री सेटअप होने लग जाए, यहां पर भी जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप होने लग जाए। अब क्या है फॉरेन एफडीआई, देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा था ना कि यहां ये एरिया ऐसे था कि सेंसिटिव एरिया था कि यहां पर जो है
कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहता, डोमेस्टिक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहते, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तो आके क्या सेटअप करेंगे, हम उनसे क्या उम्मीद करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि देखिए नक्सली प्रभावित एरिया है, लोग पढ़े लिखे काम है इसलिए नक्सली बन जाते हैं, तो नक्सली बन गए। अब यहाँ पर इंडस्ट्री जाने से डर इसलिए भी है कि यहाँ पर नक्सली प्रभावित एरिया है और लोग पढ़े लिखे काम है इसलिए थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, ये बात हो गई। बट एक तो इंडस्ट्री जा नहीं रही है इसलिए यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ का डेवलपमेंट वैसे भी नहीं हो पा रहा है, अगर इंडस्ट्रीज जाएंगी तो यहाँ का बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है तो लोग वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, तो एक तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट चालू होगा और इवेंचुअली जो पूरा देश है ना इट विल मूव टुवर्ड डेवलपमेंट, इट विल डेवलप इवेंचुअली, तो इन स्टेट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। हो सकता है इन स्टेट्स को थोड़ा लॉस हो, महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली को, बट सर्विस टैक्स जो है वो टैक्सेबल हो जाने, सर्विस टैक्स का भी राइट इनके पास आ जाने से महाराष्ट्र गुजरात इनके पास, तो इनका जो सर्विसेज का मेजर पोर्शन था जो पहले सेंट्रल के पास जाता था वो अब इनको मिलने लग जाएगा, वो जो है अब इनको मिलने लग जाएगा। और इवेंचुअली जब पूरे देश में डेवलपमेंट होने लग जाएगा तो यहां से जो लेबरर्स वगैरह और जो है गुजरात महाराष्ट्र या दिल्ली की तरफ मूव करते थे तो यहां से इनका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा और यहां पर भी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी। यहां इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी तो यहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से क्या होगा कि यहां से जो गुड्स जाएगा मान लो महाराष्ट्र या गुजरात जाता है तो गुजरात महाराष्ट्र को भी टैक्स मिलने लग जाएगा डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट से, तो इवेंचुअली पूरे देश का जो है प्रोग्रेस यहां पर जो है वो हो जाएगा इस तरह से। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, जीएसटी इसके तीन हिस्से हैं, एसजीएसटी सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ओके, एसजीएसटी सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो एसजीएसटी जो है अपना दैट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, CGST is collected by central government and IGST is collected by central government but distributed to states, ठीक है। Interstate sale इस पे अपना लगेगा IGST, intrastate sale पे आपका लगेगा बोथ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ओके, बोथ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। इंपोर्ट के केस में अपना लगेगा आईजीएसटी इस तरह से। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग अपना मॉड्यूल जो है आईसीएसआई का उसमें से एक बार और पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपके जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना इतने मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस कम आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डेफिनेशन और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द गिव द मेन हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी, ये सारी चीजें जो है आपके आती हैं, तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से आपका देखेंगे। ऑरिजिन बेस्ड टैक्सेशन की जगह आप आज अब जीएसटी के बाद जो है पूरा का पूरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन चालू हो जाएगा। पहले के टाइम में वैट भी जैसे हम होता वैट देखते थे तो वैट भी हमारा मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन टैक्स होता था, वो डेस्टिनेशन नहीं होता था, उस पर हर एक स्टेज पे जो है टैक्स लगता था और क्रेडिट मिलता था, बट दैट वाज नॉट फुल्ली दैट वाज नॉट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वो डेस्टिनेशन पे नहीं होता था, एक तरह से ओरिजिन पे ही वो लगता जाता था, उसको हम बोलते थे डेस्टिनेशन, कि जैसे जैसे वो पास ऑन होता था तो वैट लगता था और क्रेडिट मिलता जाता था। बट अब जो है आपका जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा जीएसटी आने के बाद से।